गोरखपुर न्यूज और स्वीप की है मनुहार, हम मतदान जरूर करेंगे इस बार के स्लोगन के साथ गोरखपुर न्यूज चैनल ने मतदाता जागरूकता कैंपेन की शुरुआत की है, जिसके तहत चैनल की टीम जाकर लोगों को 19 मई को होने वाले लोकसभा के चुनाव में अधिक से अधिक मतदान करने को प्रेरित कर रही है। मंगलवार को गोरखपुर न्यूज चैनल की टीम रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास पहुंची और छात्राओं को मतदान करने के लिए शपथ दिलाया। गोरखपुर विश्वविद्यालय के रानी लक्ष्मीबाई महिला छात्रावास की छात्राओं ने गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए कहा कि मजबूत लोकतंत्र के लिए सारे काम छोड़कर 19 मई को अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें, जिससे देश में मजबूत सरकार बनाया जा सके। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए छात्राओं ने कहा। प्रिया गुप्ता, हम लोग चाहते कि भारी सभी लोग अच्छे मात्राओं में वोट जाके वोट करें और सपोर्ट करें सबको, ताकि राष्ट्र के विकास के लिए अच्छे से अच्छा नेता और जो भी लोकतांत्रिक देश के लिए हम लोग विकसित हो सके उसके लिए सपोर्ट करें। थैंक यू। प्रिया रोनियर, आगामी 19 मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मैं अपने भारत के नागरिकों से एक विधि छात्र होने के नाते यह गुजारिश करूँगी कि मताधिकार का प्रयोग सबको करना चाहिए, क्योंकि ये एक ऐसा अधिकार है जो सबसे बड़ा अधिकार है, और इसका प्रयोग करके हम, चूँकि लोकतांत्रिक गणराज्य में निवास करते हैं, ये हर किसी को मौका नहीं मिलता कि अपने द्वारा सरकार को चुने। ये बहुत बड़ा अधिकार है, हम सबको अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जो देश के लिए अच्छा हो उस प्रत्याशी को जिताना चाहिए और अपने वोट का प्रयोग जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। गीता गुप्ता, लोगों से ही अपील करना चाहूँगी कि लोग बढ़कर अधिक से अधिक भारी मत दें, और जो ज़्यादा करके गांव में जो महिलाएं हैं वोट देने के लिए बाहर नहीं निकलती हैं। हम सारे वयस्क लड़कों और लड़कियों के यही कहना चाहेंगे कि वो सभी को जागरूक करें, ताकि 19 मई को सभी लोग बढ़ चढ़ कर वोट दें। मेरा नाम गुड़िया गुप्ता है। उसे ये अपील करना चाहते हैं, जैसे आप एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और अपने मनो मुताबिक खाने ऑर्डर करते हैं, उसी तरह से आप किसे जिताना चाहते हैं, इस तरीके कौन जीतना चाहे, मतलब कौन जिस किसी से कौन अच्छा है, ये सब चीज़ें खुद सोचें और खुद जाकर ज़रूर से ज़रूर वोट करें। ये हमारा अधिकार है और ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा कार्य होगा। 19 मई को मतदान जो होने वाला है, हम यही अपील करेंगे कि जो भी स्टूडेंट या जो भी गांव के छात्राएं या लड़की लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, सबको वोट देना जरूरी है, क्योंकि वो वोट एक वोट भी छूटने ना पाए। और हम ये गुजारिश करेंगे कि वो लोग किसी को कास्ट वर्ग ना देकर, जैसे हॉस्पिटल में जाते हैं किसी जात को नहीं देखते हैं कि कौन सा जात है और उससे दवा लेकर ठीक हो जाते हैं, उसी प्रकार महिलाएं या कोई भी हो, पुरुष या स्त्री, अपने वोट का सही प्रयोग करें, जो अच्छा लगे उनको वोट दें, ना कि किसी कास्ट को दें अपने वर्ग को देखकर। क्या नाम है आपका? प्रेमलता प्रियदर्शी। और विधि छात्रा होने के नाते ये सब मैं कहती हूँ कि जो भी अच्छा चुनाव जो भी जीतेंगे उनसे अच्छा उम्मीद रखते हैं कि वो आने वाले स्टूडेंट के लिए भी कुछ करेंगे और जनता के लिए, खास करके लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, जो इधर उधर महिलाओं के साथ घटना होती है। अंबिका जायसवाल, मैं आम जनता से ही अपील करना चाहती हूँ कि हमें अपने देश और राष्ट्रहित की रक्षा के लिए हमें एक दूसरे को, हमें खुद जाकर वोट देना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट भी करना चाहिए। वोट एंड सपोर्ट फॉर एवरीवन। एंड मैं और इस चुनाव के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि आम जनता से मैं हाथ जोड़ के विनती यही करती हूँ कि वो लोग बिना किसी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना वोट करें और अपने घर के प्रत्येक सदस्य को खुद ले जाकर और वोट करवाएँ उनसे। धन्यवाद। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूरा आस्था रखते हुए शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म वर्ग जाति समुदाय भाषा तथा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद जय भारत। 19 मई, चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है, तो हम पूर्ण आशा करेंगे कि भारत के जितने भी नागरिक हैं जो वयस्क हो चुके हैं, जिनकी उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुकी है, वो जाएं 19 मई को अपने मत का सही उपयोग करें, और जो उनके लिए लग रहा है कि हमारे देश के लिए सही नेता आना चाहिए तो उनके सपोर्ट करें, उनको वोट दें। थैंक यू।